सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ योर चैप्टर विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस दैट हाउ द फर्टिलाइजेशन हैपन एंड व्हाट हैपन इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट हैपन. ये सब चीजें हम पहले ही कर चुके हैं एंड वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी आर डिस्कसिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. सो इन दिस वे नाउ नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी शुड डिस्कस हियर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. क्योंकि जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं इट शुड ऑल्सो इंक्लूड अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नाउ व्हाट डज इट मींस. आपने बहुत तरीके की देखा हेल्थ के बारे में आपने बात की हुई है. आप जानते हैं कि हेल्थ होना और हेल्दी होना ये सब चीजें क्या है. बट व्हाट इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है. इन द नॉर्मल डेवलपमेंट अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मली डेवलपमेंट हो रही है ग्रोथ हो रही है दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट. कि बॉडी ग्रो कर रही है साइज इंक्रीज हो रहा है वेट इंक्रीज हो रहा है बट क्या साथ में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी हो रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मेच्योर हो रहे हैं. दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स. सो दीज थिंग्स दैट डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. बहुत आराम से टाइम के साथ ये प्रोसेस होती है. लाइक वी नो दैट दिस द स्टेज दैट इज नोन एज प्यूबर्टी. प्यूबर्टी इज द स्टेज वेन वी से दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट वर्किंग. Male, in the male testis, they start forming the sperms, that is a male gametes. Whereas in the females, the ovaries are the male sex, female sex organ which start forming the egg. तो दोनों ही केसेस में जब प्यूबर्टी एज तक मेल और फीमेल पहुंचते हैं या गर्ल और बॉय पहुंचते हैं तब उनकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड वी कैन से दैट दिस इज द स्टेज व्हेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अटेन्ड. सेक्सुअल मैच्योरिटी जो मिलती है प्राप्त होती है दिस इस स्टेज के अंदर होती है जिसे हम प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं. ओके, नाउ जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं दिस इज द कंडीशन विच इज नोन एज अ कंडीशन व्हेन वी कैन से दैट द पर्सन इज वेरी वेल. इट्स अ वेल इनफ टू अकॉर्डिंग टू अ मेंटल सोशल फिजिकल एंड इकोनॉमिकल एज अ रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. जब कोई भी पर्सन इन सब केसेस में इन सब क्राइटेरियाज को पूरा करते हुए अपने आप को एक मींस परफॉर्म एक वेल परफॉर्म फील करवाता है देन वी कैन से दैट ही इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन. सो फर्स्ट वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ देन वी डिस्कस अबाउट इट इन मोर डिटेल्स. आई एम राइटिंग द डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने एक डेफिनेशन प्रोवाइड की हुई है डेफिनेशन दी हुई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल It is a total well-being in all aspects of reproduction. हम reproduction के केस में बात कर रहे हैं ना इसलिए हम यहाँ पे reproduction ही भी लिखेंगे क्योंकि हम reproduction को ही reference point मान के discussion कर रहे हैं of reproduction. Now, what are these aspects? किसके बारे में बात हो रही है like physical, then emotional, the next one is behavior, and the last one is the social. So, this is about the definition of the reproductive health. When a person is considered as a well-being or total well-being है in all aspects, चाहे वो physical aspects हो emotional हो उसका emotional background है यानी कि mind और heart related these conditions and behavior related conditions and the social condition. When all these things are well enough then person is called that as a reproductively he is able to do the reproduction. Okay, इन सब conditions को discuss करने के बाद now we can say that reproduction is a stage or it's a process which happen when a person is very well prepared. Like अगर हम बात करें a girl, एक girl है
ही इज नॉट मेच्योर इनफ, उसकी एज इतनी नहीं हुई है एंड इमोशनली ही इज नॉट एबल टू मीन्स टेक केयर ऑफ एनी बेबी एंड ही गेट बी प्रेगनेंट, अगर वो प्रेगनेंट हो जाती है सो क्या हम उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे, क्योंकि ना वो इमोशनली रेडी है ना वो फिजिकली रेडी है। तो उस केस में जब प्रेगनेंसी अगर हो रही है, एक बेबी को अगर वो गर्ल कैरी करती है, देन दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज नॉट सुटेबल फॉर हर एज इन फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एज वेल एज हर मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ना तो उनकी उसकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर सकती है, ना ही वो एज इन मीन्स दिमाग से भी, दिमागी तौर पर भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सो रिप्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये चीज या प्रेगनेंसी या हैविंग अ चाइल्ड, दिस काइंड ऑफ कंडीशन शुड बी प्रेजेंट देयर व्हेन पर्सन इज वेरी वेल प्रिपेयर, पर्सन जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। इन द अवर सोसाइटी वी हैव लॉट्स ऑफ प्रेशर, फैमिली का प्रेशर है, काम का प्रेशर है एंड वी हैव द प्रेशर फ्रॉम अवर गवर्नमेंट ऑल्सो दैट वी शुड मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फैमिली, लाइक फैमिली जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी ओनली टू चाइल्ड इन द फैमिलीज। सो सच काइंड ऑफ प्रेशर्स मीन्स अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इन द केस ऑफ रिप्रोडक्शन वी कैन से दैट जब भी मीन्स couple when they want to baby or means we can say that if a couple is there and they do not want having a baby and they want to avoid the pregnancy, in these cases they have to adopt some specific methods. तो अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे उन स्पेसिफिक मेथड्स की विच आर यूज टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, बिकॉज एवरी पर्सन इज नॉट रेडी फॉर एवरी टाइम। ये नहीं हो सकता कि हर कोई हर किसी भी स्टेज में प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो सकता है, कंडीशन शुड बी वेल इनफ, जैसा कि हमने देखा कि हर एक्सपेक्ट में उसे रेडी होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। सो देयर आर द सम मेथड्स और देयर आर द सम टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड दे कैन बी यूज्ड टू डिले द प्रेगनेंसी। द मेथड्स और दीज डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शंस। इस प्रोसेस को हम कॉन्ट्रासेप्शन बोल सकते हैं एंड द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव। सो वी आर डिस्कसिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव। अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, दीज आर द डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड, डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू डिले और टू अवॉइड प्रेगनेंसी, या तो डिले करने के लिए भी बोल सकते हैं या टू अवॉइड प्रेगनेंसी, यूज टू अवॉइड प्रेगनेंसी। सो वी विल नाउ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दीज आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हैं? दीज आर द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट और अवॉइड द प्रेगनेंसी। तो इन्हीं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे एंड दीज मेथड्स कैन बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, दे कैन बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के। द फर्स्ट वन कुड बी द बैरियर मेथड, फर्स्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं बैरियर मेथड, सेकेंड द केमिकल मेथड, थर्ड वन कैन बी यूज द IUCDs एंड द फोर्थ वी कैन इंक्लूड द सर्जरिकल मेथड। सो दीज आर दी सम मेथड्स व्हिच आर यूज्ड to avoid the pregnancy or to delay the pregnancies and we will discuss these methods in more detail. So, ye sabhi methods bahut important hai according to your exam point of view and we will start discussing all these methods and we are starting with the first one which is barrier method. Now, barrier. Ab barrier hi pata chal raha hai ki something is avoiding, something is preventing the entry of something. So, what is that? बैरियर मेथड्स में हम वो चीजें यूज करते हैं जो स्पर्म की एंट्री को अवॉइड करता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दीज टाइप ऑफ मेथड्स आर नॉन एज बैरियर मेथड। इन दिस केसेस जो चीजें यूज की जा रही हैं दीज आर नॉन एज कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स आर यूज्ड इन द केस ऑफ मेल्स एज इन बैरियर मेथड्स और इन द केस ऑफ फीमेल्स ऑल्सो द समटाइम्स सच काइंड ऑफ थिंग्स आर यूज्ड दैट आर डायफ्राम्स। अब बैरियर मेथड है तो ये स्पर्म की जो एंट्रीज है उन्हें अवॉइड करेंगे इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो वी कैन राइट दैट व्हाट दे डू, द फंक्शन ऑफ दीज इज दे अवॉइड द एंट्री ऑफ स्पर्म इन
female reproductive tract. तो female reproductive tract के अंदर entry को block करने का काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे. That's why they are known as barrier method. अब two types के barrier method हमने यहाँ पे लिखे हैं. The first is the condom, which is used by the male. Male के अंदर use किया जाता है, male के through use किया जाता है. These condoms are the रबर और लेटेक्स शीट लाइक स्ट्रक्चर, रबर की बनी हुई एक फ्लेक्सिबल शीट जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये बलून जैसी स्ट्रक्चर होती है, विच इज यूज बाय अ मेल एंड द मेल कैन यूज इट ऑन इट्स ऑन पेनिस. पेनिस के ऊपर कवर किया जाता है, सो दैट व्हेन द स्पर्म्स गेट रिलीज दे डू नॉट एंटर इन साइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. So these condoms are used by the male, and then the very well known example of the condom is the Nirodh. बहुत important example है जो है Nirodh is a very well known example of condom. Now let's come on to the diaphragms. Diaphragms are also some barrier like structures which are used by the female. So these are used by the females. They are also used to avoid the entry of the sperms inside the female reproductive tracts. यहाँ पे हम सर्विकल कैप्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. सर्विकल कैप्स, दीज आर दी सम कैप लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर यूज्ड ऑन टू द सर्विक्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड अगेन दे आर अवॉइडिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. सो दीज थिंग्स, दीज कॉन्डोम्स एंड दीज डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम बैरियर मैथड. नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड, दैट इज द केमिकल मैथड. तो अब हम बात करते हैं केमिकल मैथड के बारे में. केमिकल मैथड मीन्स हियर द सब केमिकल्स आर यूज टू अवॉइड द मेटिंग और टू मिक्सिंग द मिक्सिंग द स्पर्म ऑफ एग. एग और स्पर्म की जो आपस में मिक्सिंग हो रही है उस चीज को अवॉइड करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं. एंड दीज केमिकल्स कैन बी टेकन एज ओरली, ओरली यानी कि मुंह से भी लिए जा सकते हैं. उस तरीके के ओरली ले जाने वाले केमिकल्स को हम बोल रहे हैं ओरल पिल्स, और दे कैन बी नोन एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी बोलेंगे. पिल्स किस चीज को बोलते हैं? पिल्स बोलते हैं हम उन टैबलेट्स को. टैबलेट जो होती है ना, गोलियां होती है, मेडिसिन होती है, उन्हें पिल्स बोला जाता है. सो दीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे कैन बी टेकन ओरली बाय द फीमेल्स. ये फीमेल्स के लिए होती है, दे कैन बी यूज बाय ओनली बाय द फीमेल. सो फीमेल कैन टेक दीज पिल्स इफ शी डू नॉट वॉन्ट टू बी प्रेगनेंट. एंड दीज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वट दे डू, these pills they have some chemicals, like they have some progesterone and estrogen. These pills contain the combination of these hormones, and the function of these pills are like that they change the hormonal balance inside the body. Hormonal secreting pills hoti hai, means hormones form ho rahe hain and they change the hormonal balance. Body ke andar hormones ka balance change kar dete hain, and by this way they avoid the ovulation. यानी कि ये उस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है. फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब ओव्यूलेशन होता है, एट फिलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, एंड एट द सेम टाइम द स्पर्म इज ऑल्सो रीचिंग देयर, देन द फर्टिलाइजेशन हैपन. बट इफ द ओव्यूलेशन इज स्टॉप्ड, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो उस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. सो दे स्टॉप ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को स्टॉप करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एंड बाय दिस वे दे अवॉइड द फर्टिलाइजेशन. और इन सम केसेस दे आल्सो मेक्स द यूट्रस आल्सो, मींस दे डू नॉट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन. यूट्रस को भी इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे. तो दीज पिल्स आर नॉन एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. दीज पिल्स कैन बी टेकन daily for the 21 days by a female, or it they can be taken after a regular gaps. So it depends on the types of the pill, which kind of pill is taken by the female. Us cases pe liya jata hai. The important example is a Saheli or Mala D. These are the example of pills which are used as oral contraceptive pills. Now let's come on to the next method, that is IUCD. IUCD, what does it mean? It's intrauterine contraceptive device. Uterine contraceptive device. So this is intrauterine contraceptive device. Intrauterine, naam se pata chal raha hai ki it's implanted inside the uterus.
ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट की जाती है एंड अ डॉक्टर और स्पेशलाइज्ड नर्स इज शुड बी यूज और कैन बी डन दिस प्रोसीजर. ये नॉर्मली नहीं किया जा सकता, एक एक्सपर्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है. एंड दीज डिवाइसेज आर इंसर्टेड इन साइड द यूट्रस. लाइक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ डिवाइसेज इज कॉपर टी. कॉपर टी is a device which is implanted inside the female uterus and these devices make the uterus not suitable or unsuitable for the implantation. They make uterus ko kya karenge, ye uterus ko unsuitable bana denge, unsuitable for implantation. yani ki agar pregnancy ho jati hai, pregnancy hone ke baad zygote form hoga. zygote kahan jayega, fallopian tube se move karta hua, it will reach to the uterus. jab uterus mein jaake zygote pahunchega to wahan jaake wo uterus ke walls ke sath attach ho jata hai. this process is known as implantation. but if uterus is not ready, agar uterus ready nahi hai, uterus ki wall ready nahi hai us implantation ke liye, to kya pregnancy hogi, implantation hoga? No. So these devices, they avoid the implantation. That's why the pregnancy can be avoided. Okay. These copper T जो होती है इस तरीके की devices like copper T ही also अगर हम example हैं, they also means they affect the mortality of the sperms. यानी कि sperm को भी kill करने का काम करती है, sperms को भी kill कर देती है ताकि pregnancy को avoid किया जा सके. यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं. दीज ऑल दीज मेथड्स हैव सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस आल्सो. तो एक बार थोड़ा सा एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, लाइक बैरियर मेथड जो हमने देखा था, जिसमें हमने देखा कॉन्डोम, डायफ्राम्स, कैप्स, सर्विकल कैप्स एक्सेट्रा, इस चीज का एडवांटेज क्या है? दीज डिवाइसेज दे कैन प्रोटेक्ट द बोथ ऑफ द पार्टनर्स, द मेल एंड फीमेल, दे कैन प्रोटेक्ट देम थ्रू द एसटीडीज. ये जो मेथड होता है, जो बैरियर मेथड होता है, ये प्रिवेंशन करता है एसटीडीज से. एसटीडीज मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. दे प्रिवेंट बाय द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ये ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है उनसे प्रिवेंट करने का काम करेगा. द एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिटेड डिजीज, दीज आर द एग्जांपल. फर्स्ट इज गोनोरिया, second one is syphilis, and the third one is the AIDS, which is caused by the HIV virus. so these are the some diseases. like these diseases, gonorrhea, it's caused by a bacteria, it's a bacterial disease. syphilis, it's also a bacterial disease, and AIDS is a viral disease. ye disease jo hoti hai virus ki wajah se hoti hai. so ye jo disease hai ye sexually transmitted disease hai, jo sexual intercourse ke time pe hoti hai, ek partner se dusre partner ko hoti hai. but agar is tarike ke methods, barrier methods ko use kiya jaye, then these diseases can be avoided. इन्हें अवॉइड किया जा सकता है, इनसे प्रोटेक्शन की जा सकती है. तो ये एडवांटेज हुई बैरियर मेथड की. नाउ केमिकल मेथड जो हमने पढ़े थे, केमिकल्स मेथड्स में हमने देखा दैट पिल्स और द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, दिस हैव सम साइड इफेक्ट्स आल्सो, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग सम हार्मोनल इम्बैलेंस. ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं, ये चीजें बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट्स क्रिएट करती हैं. सो दे हैव सम साइड इफेक्ट्स. Like female can feel means यहाँ पे females में कुछ ऐसे effects create होते हैं, like means कुछ अच्छा से feel नहीं होना, weight lose हो सकता है, weight gain हो सकता है, they have some kind of side effects also. Here the third जो method हमने पढ़ा है IUCDs, which are also used as a method which to avoid the pregnancy, and the side effect or also in this case is that कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे यूट्रस के अंदर भी कुछ मींस एक चीज इम्प्लांट की गई है, तो फीमेल कैन नॉट बी फील कंफर्टेबल इन दिस आल्सो. सो दीज आर द सम मेथड्स व्हिच वी डिस्कस्ड हियर, लाइक बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, आईयूसीडीज. वी डिस्कस दीज मेथड्स एंड हाउ दे फंक्शन एंड हाउ दीज डिवाइसेस कैन बी यूज्ड एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज मेथड्स और एडवांटेजेस ऑफ दीज मेथड्स आल्सो. नाउ लेट्स कम ऑन टू द लास्ट मेथड व्हिच इज द सर्जिकल मेथड. In the category of these contraceptive methods, we discuss all three. And now, last method is surgical method. So, let's start the surgical method. Or contraceptive methods में fourth category, that is the surgical method. अब surgical method है means अब कुछ surgery की जा रही है. यहाँ पे क्या surgery होती है? जैसे कि इन diagrams में मैंने दिखाने की कोशिश की है. This is the diagram of male reproductive system. This is male reproductive system. अब male reproductive system के अंदर यहाँ पे जो इनकी ducts हैं. Duct that are present in the male, that these are the vas deferens. तो ये जो vas deferens है, ये जो ducts हैं, these ducts are cutted.
इन डक्ट्स को कट कर दिया गया है एंड देन दे आर जॉइन और लाइगेटेड, इन्हें कट करके जॉइन किया गया है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि पूरी यहाँ से इस डक्ट को कट कर दिया और कट करके इसे ना थ्रेड से अच्छे से टाई कर देते हैं। सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस, टेस्टिस, टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना। जब स्पर्म बनेंगे, स्पर्म बन के वास डिफरेंस से मूव करते हुए यूरेथ्रा और पेनिस के थ्रू बाहर की तरफ, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक एंटर करने का रास्ता ये है। बट इफ दिस डक्ट इज गेट कट इन हियर, डक्ट को ही जब कट कर दिया तो स्पर्म जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। सो इन दिस वे द बाय दिस सर्जिकल मेथड द डक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मेल्स आर कटेड एंड देन लाइगेटेड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी एंड दिस मेथड इज नोन एज वैसेक्टॉमी। इन द केस ऑफ मेल दिस सर्जिकल मेथड इज नोन एज वैसेक्टॉमी। सो दिस इज द वैसेक्टॉमी एंड द सिमिलर टाइप ऑफ मेथड व्हिच इज यूज्ड इन द केस ऑफ फीमेल where the fallopian tube, this is the fallopian tube, you can see this is the female reproductive system and these are the ducts which coming out from the, they are ducts which are joined with the female reproductive tract, this is the fallopian tube, ye fallopian tube hai and if these fallopian tubes are cutted and joined, inhe bhi cut kar diya jata hai, jaise yahan pe aap dekh sakte ho, yahan is ise aur hum aise dikhayenge, these tubes are get cutted and then they ligated, inhe join kar diya jata hai. And in this way what happens, ovary will make the eggs, ovary se egg banega and when this egg reach to the fallopian tube mein reach hoga, pahunchega, then this egg is not able to reach to the uterus tak nahi pahunchega, ya fir hum keh sakte hain ki sperm agar aa bhi jata hai to sperm jo hai wo egg tak pahunch hi nahi payega. So in this way the fertilization can be avoided or pregnancy can be avoided. So this is also a contraception method which is used in the case of female and if this method is used by the female, this method is known as tubectomy. In the case of female, this is the known as tubectomy and when this method is done in the case of male, then it is known as vasectomy. नाम कैसे याद करना है, बहुत इजी है। वैसेक्टॉमी इज रिलेटेड विद द वास डिफरेंस, वास डिफरेंस वी नो दिस आर दिस ट्यूब्स दिस डक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द मेल में मिलने वाली डक्ट है वास डिफरेंस से, तो वहीं से नाम आया है वैसेक्टॉमी। फेलोपियन ट्यूब से, यहाँ पे ट्यूब को कट किया जा रहा है और वहीं से नाम आया है ट्यूबेक्टॉमी। So this is the surgical method which can be used as a contraceptive and this is very sure method क्योंकि इसमें कोई भी chances नहीं होते pregnancy के, क्योंकि यहाँ damage का transfer ही नहीं हो पा रहा। But this method is irreversible method, this method cannot be cured back. ऐसा नहीं कि कुछ time हुआ उसके बाद उसे वापस normal करने की कोशिश की जाए, that this is not possible. Okay, surgery के cases में जब हम बात कर रहे हैं, surgery can be used in the case of females where they want to अगर कोई फीमेल इफ शी गेट प्रेग्नेंट एंड शी डोंट वांट टू कैरी दिस बेबी, देन दिस बेबी ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी हेल्थ रीजन, इफ द डॉक्टर कंफर्म कि जो बेबी है जो फीमेल की बॉडी में ग्रो कर रहा है, दिस बेबी इज नॉट सुटेबल और एज हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू मदर और एज वेल एज द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बेबी ऑल्सो, यानी कि या तो मदर की जान को रिस्क हो या फिर बेबी की जान को रिस्क हो, तो उस केसेस में क्या होता है कि डॉक्टर सर्जरी के थ्रू उस बेबी को, उस जो ग्रोइंग फीटस है उसे बॉडी के थ्रू फीमेल बॉडी से रिमूव कर सकते हैं एंड दिस इज नॉन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी इज नॉन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज अ सर्जिकल मेथड, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दिस इज ऑल्सो अ सर्जिकल मैथड एंड दिस सर्जरी इज ऑल्सो डन बाय एक्सपर्ट डॉक्टर एंड दिस सर्जरी and be possible on the first trimester. First trimester मतलब first के जो 3 months होते हैं ना pregnancy के, the first 3 months उसी time पे अगर ये MTP हो जाती है it's a safe, otherwise it is risky for the mother also. Mother के लिए risky हो जाता है। So this is about the MTP and this type of this surgical method can be adopted by the some persons to to kill the female fetus. ये फीमेल फीटस को किल करने के लिए भी यूज किया जाता है, विच इज नॉट अ लीगल प्रोसेस, तो ये लीगल प्रोसेस नहीं होता एंड दिस प्रोसेस बाय विच बाय सर्जिकल मेथड द फीमेल फीटस गेट किल्ड इज नॉन एज फीमेल फर्टिसाइड एंड इट्स अ इलीगल प्रोसेस, वी शुड नॉट मीन्स एनकरेज दिस प्रोसेस, बिकॉज जब गर्ल्स अगर इस तरीके से इस मेथड के थ्रू किल होती रहेंगी तो उस केस में गर्ल और बॉय या मेल और फीमेल का जो रेशियो है कंट्री के अंदर, हमारी हमारी सोसाइटी के अंदर, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। सो दिस इज नॉट अ राइट प्रोसेस।
So here we discuss the contraceptive methods and we discuss about the reproductive health. By this way, you can easy to understand that how the pregnancy can be avoided, how which kind of suitable contraceptive method can be used by the couples to avoid the pregnancy. And it is also suitable to make a small family, because the small family is a happy family. जितनी ज्यादा बड़ी फैमिली होगी, जितने ज्यादा बच्चे होते हैं एक फैमिली में, वहां पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं और मींस उनकी केयर करना भी मुश्किल हो जाता है. तो इट शुड बी बेटर दैट फैमिली विल बी अ स्मॉल फैमिली. जो गवर्नमेंट का स्लोगन है दैट इज हम दो हमारे दो, इज वेरी मच सुटेबल. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ.